आज नगर निगम फिरोजाबाद की मेयर नूतन राठौर द्वारा आसफाबाद चौराहे से लेकर नलकूप कॉलोनी होते हुए आसफाबाद बिजली घर तक सर्विस रोड पर बरसों से होने वाली जल भराव की समस्या के समाधान हेतु सुलभ एंटरप्राइजेस के माध्यम से सुपर सकर मशीन द्वारा अंडरग्राउंड नालों की सफाई के कार्य का शुभारंभ नारियल फोड़कर किया गया। वहीं नगर निगम की मेयर ने अधिकारियों और सुलभ एंटरप्राइजेस को यह भी सुनिश्चित किया कि मानसून आने से पहले एक महीने के अंदर अंदर इस कार्य को सम्पूर्ण कराया जाए। देखिए, कुछ दिन पहले हमने आसफाबाद चौराहे से लेकर बिजली घर तक, जहां पर जल भराव की पिछले कई वर्षों से समस्या बनी रही है, उसके निस्तारण के लिए हमने टेंडर उपरांत भ्रमण किया था और हमने आप लोगों को बताया था कि हम यहां पर सोमवार मंगल में काम शुरू करा देंगे। आज बुधवार है और मुझे लगता है आज यहाँ पर इनकी सारी जो संसाधन है उनके साथ इन्होंने आज जो कार्य है नाला क्लीनिंग का और जो जल भराव होता है बिजली घर पर उसको समाप्त करने के लिए इस कार्य का उद्घाटन अभी हो चुका है। लगभग 45 लाख रुपए की लागत से सुपर सकर मशीन के माध्यम से इस नाले का काम, नाले की सफाई का काम आसफाबाद चौराहे से अभी आप देख रहे हैं जिस प्रकार से कर्मचारी लगे हुए हैं, सफाई कार्य चल रहा है सुपर सकर मशीन के माध्यम से। साथ ही ये लोग अपना जो अंदर की तरफ नाले की क्लीनिंग कर रहे हैं, सिल्ट निकाल रहे हैं, उसको ये अपने कैमरे पर भी, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी देंगे कि अंदर किस प्रकार अंदर काम चल रहा है और जो सेल्ट है वो नाले के बाहर आ रही है सुपर सकर मशीन के माध्यम से। आपके मैं बात भी करा दूंगी कि मीडिया को भी ये फुटेज उपलब्ध कराए ताकि आप भी देखें कि नगर निगम किस प्रकार का कार्य शहर में कर रहा है। और मुझे लगता है बहुत ही लंबा समय जो जल भराव का यहाँ पर लोगों ने झेला उससे राहत यहाँ के लोगों को बहुत जल्द मिलने वाली है। बरसात से पूर्व हमने काम शुरू करा दिया है तो इस कार्य को ख़त्म करने के लिए हमने इनको एक महीने का समय दिया है। एक महीने के अंदर आप लोग अपना काम समाप्त कर लेंगे ताकि जल्द से जल्द ये जो जल भराव की समस्या है इससे लोगों को निजात मिल सके। क्या ये सब करने में कोई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है किसी तरह की? देखिए, एक टेबल वर्क होता है, सारी समस्याओं को देखते हुए बहुत लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी कि किस तरह से हम इस नाले की क्लीनिंग कराएं। चूँकि मैनुअली इन नालों की क्लीनिंग नहीं हो सकती, अंडरग्राउंड नाले हैं, जान का भी खतरा रहता है कर्मचारियों का, तो उसी के तहत हमने प्रयास किया था कि मशीनरी के माध्यम से, जैसा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि हम शहर को साफ करें, तो सुपर सकर मशीन टेक्निकली प्रूफ है कि आप लोगों ने जो कोविड के समय पर भी काम किया था तो हमने उनके कार्य की प्रक्रिया देखी थी कि किस तरह से इनकी मशीन काम करती है और उसी को देखते हुए हमने सुपर सकर मशीन के माध्यम से ही इस अंडरग्राउंड नाले की क्लीनिंग के कार्य के लिए पैसा स्वीकृत कराया, उसको सैंक्शन किया और उसमें इनका जो टेंडर आया है जिसके अंतर्गत आज यहाँ काम शुरू हो गया है।